और यहाँ पे बन रही है मम्मी के हाथ की बेसन बर्फी। सुपर टेस्टी बनती है, मुझे मम्मी के हाथ की बेसन बर्फी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी अच्छे लड्डू बना लेती हूँ बेसन के, लेकिन पता नहीं क्यों मम्मी के हाथ का टेस्ट अलग ही आता है, एक अलग सॉफ्टनेस और घी का टेस्ट आता है। चाहे मैं कितना भी घी डाल दूँ लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं आता है। तो अभी मैं मम्मी की हेल्प कर रही हूँ और इस बार मैं सीखी तो भी ये हूँ। हमारी बेसन बर्फी आधी बन के रेडी हो गई है और यहाँ पे ये और बनने वाली है। पर कैसे कैसी कैसी बनी? मस्त मस्त बनी। इधर बट अभी रात सुपर ऐसा लग रहा कि सुपरमैन बन गया। इधर कौन बने? सुन, एक ही खाना है अभी, इसके आगे नहीं खाना है, इसके बाद नहीं खाना है। दो ऑलरेडी खा चुका है तू, एक पेड़ा तो अच्छी नहीं बनी तो मत खाना फिर। अच्छी नहीं बनी ना? एक पेड़ा हाँ कौन सी वाली अच्छी है? ये वाली अच्छी है और वो वाली पंजा मारती है, ये नहीं मारती है। अच्छा, अरे बाप रे, तो फिर इसका क्या नाम रखा? ये वाली अच्छी वाली को हम पेट बना ले क्या? तो उसका क्या नाम रखेगा? स्नोई। स्नोई हाँ रे सोना, वो अच्छी है, वो देख अपने में लगी है, वो बदमाश है तेरे जैसी, सुनती नहीं है किसी का, और ये विवान जैसी है ना? किटी। तो रियांश ने इन दोनों को ही पेट बना लिया है। एक का तो उसने नाम भी रख दिया है स्नोई, जो उसे ज़्यादा पसंद है और वो खुद भी खाता है और उनको भी खिलाता है, तो थोड़ा सा टाइम पास इसमें भी उसका हो जाता है और उसे सच में पेट बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मा गर्म खाओगे? गर्मा गर्म पुरन पोड़ी ऐसे रखी, तो चिपके नहीं इसलिए। इसके ऊपर से एक और, अजून एक रोटी ना, त्याच्यावर अजून एक पोळी आणि त्याच्यावर परत पुरण पोळी। म्हणजे उचलता आली पाहिजे। तो मम्मी जब पुरण पोळी बनाती है तो मेरी याद आती है मम्मी को, क्योंकि हम दोनों ही पुरण पोळी खाते थे और मैं गर्मा गर्म ऐसी थोड़ी सी करप ले ली, क्या बोलते हैं चला, जली जली वाली पुरणपोळी मैं खाती थी, तो ये करप लेली वाटत है ना अशी म्हणून म्हणत आहे। तो अभी मैं खाती हूँ गर्मा गर्म पुरणपोळी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ, लेकिन थोड़ी सी तबीयत आज खराब लग रही है। आज नहीं, कल रात से ही है, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है और सर्दी और बुखार भी था थोड़ा सा, तो डॉक्टर के पास मैं अभी जाके आई हूँ। और एक्चुअली क्लाइमेट थोड़ा सा ख़राब था, थोड़ी सी बारिश हो रही थी और सब बादल बादल थे, धूप नहीं थी। आज थोड़ी सी धूप निकली है, इसलिए थोड़ी सी धूप सेकने के लिए आई थी, तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गले में खराश है, तो आवाज़ थोड़ी सी आपको आज कम सुनाई देगी, मैं थोड़ी सी धीरे बोल रही हूँ। तो आज ऐसे ही बैठी थी, अभी थोड़ी सी धूप ज़्यादा लग रही है इसलिए थोड़ी सी छाँव में बैठ गई हूँ, तो सोचा कि थोड़ी सी आपसे बातें कर लूँ। बहुत दिनों से ऐसे बैठ के बातें ही नहीं हुई है और थोड़ा सा ऐसे लगा कि कुछ शेयर करूं। अभी बहुत दिन हो गए हैं मम्मी के यहाँ आके, मायके आके, तो मुझे कमेंट्स आए थे कि घर के वीडियो शेयर करूं, लेकिन सच बात बताऊं तो मैं भी बहुत चाहती थी कि सबका एक अलग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाऊं, लेकिन शादी के काम में टाइम ही नहीं मिलता है। मैं और मेरी सिस्टर निकिता दोनों ही हमेशा अभी रोज़ ही बाहर जाने जैसा ही किया हमने, थोड़ी ना थोड़ी शॉपिंग रहती ही थी, पहले भी कर ली थी, मेरे आने से पहले भी इन्होंने जो करना था वो पहले कर लिया था, लेकिन फिर भी छोटा छोटा सामान रहता है। अभी शादी रहती है तो आपको पता ही होगा कि कितना सारा सामान लगता है, तो इसलिए छोटा छोटा सामान लाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था और हम दोनों ही जाती थी। और मम्मी सुबह का मतलब घर का काम मम्मी कर लेती थी और हम जब दोपहर में खाना खा के निकलते थे तो डायरेक्ट शाम को ही आते थे, और शाम को फिर आने के बाद वो सामान को अच्छे से जमा के रखो, बच्चों को देखो, तो इसकी वजह से टाइम ही नहीं मिल पाया। लेकिन पक्का भले ही शादी होने के बाद मैं आपके साथ ज़रूर एक वीडियो शेयर करूँगी। और सच्ची बात बताऊँ तो मम्मी के यहाँ आके मैंने एक भी काम को हाथ नहीं लगाया है, बाहर ही जाना हुआ मेरा, और मैं सोच के ही आई थी कि इस बार मैं जाऊंगी तो काम नहीं करूंगी, लेकिन कभी कभी लगता ही है कि मम्मी को तो आराम ही नहीं मिलता है, मम्मी किसके घर जाएगी और मतलब
मम्मी को करना ही पड़ता है, अपने घर रहो तो भी करना पड़ता है और हमारे घर आओ तो भी हम बोलते हैं कि मम्मी तुम्हारे हाथ का कर लो, तो ऐसा होता है। लेकिन अभी काम करना स्टार्ट ही हो गया था, अभी शादी पास में आ ही रही है, डेट पास में आ रही है, तो काम स्टार्ट करना मतलब चालू ही हुआ था, क्योंकि अभी बाहर का काम सब ख़त्म हो गया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें रहते हैं, जैसे आज भी थोड़ा सा है तो वो तो चलता है, जब तक शादी रहेगी तब तक, शादी आएगी तब तक थोड़ा थोड़ा काम चलते ही रहेगा। तो अभी थोड़ा काम स्टार्ट करने ही वाले थे, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, बट ठीक है जल्दी डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि शादी का मतलब शादी है घर पे तो तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, सबकी तबीयत ख़राब है थोड़ा कुछ ना कुछ, सबको ये किसी की सर्दी है तो किसी को खांसी है, तो सब डॉक्टर के पास जाके आए। और अभी काम करेंगे थोड़ा सा, मम्मी की हेल्प करनी है, शादी है तो, और हम दोनों ही हैं मैं और निकिता, तो हमको तो ज़्यादा काम रहने ही वाला है। तो सोचा अभी मैं कपड़े सुखाने आई थी, सुबह का टाइम है, कपड़े सूख रहे, और आपको थोड़ा सा मम्मी का गार्डन दिखाती हूँ। ये सारे पौधे थे, ये सब स्टेयर्स पे रखे थे बहुत ही अच्छे से, मम्मी ने बहुत सारे पौधे लगाए हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है। अगर आपने देखा होगा तो मैं मेरे पौधे फ्रेंड्स के यहाँ पे देके आई हूँ, बहुत कम है, थोड़े से सूख गए थे, लेकिन मुंबई में जगह ही नहीं रहती है तो पौधे नहीं लगा पाती हूँ, तो यहाँ पे देखा तो ऐसे लगा कि सच में ऐसा ही घर होना चाहिए, फ्लैट वाले सच में जगह ही नहीं मिलती है। बड़ी गैलरी रही तो एक बार हम पौधे लगा सकते हैं, लेकिन मुंबई में बड़ी गैलरी नहीं रहती है, छोटे छोटे ही दिए रहते हैं पैसेज जैसे, तो वहाँ पे तो क्या ही पौधे लगाएंगे, एसी आता है एक साइड वॉशिंग मशीन आती है, बस एक छोटी सी जगह मिलती है, तो पौधे नहीं लगा पाई। तो यहाँ पे कौन से पौधे हैं मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी ने बहुत ही अच्छे से पौधे लगाए हैं, छोटी से लेके बड़ी गमले में सब छोटे बड़े सब पौधे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो पौधे अभी कौन से हैं। थोड़ी सी धूप है इसलिए अभी धूप जैसा दिख रहा है, एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखिए, ये है थोड़ी सी पिंकिश शेवंती, कितनी भर के आई है इसको फ्लावर्स, देखिए सब साइड से फ्लावर्स एकदम भरे हुए हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है, वाह। और ऐसे बड़े बड़े पौधों में लगाए, गमलों में लगाया है मम्मी ने, फिर कुछ कुछ पौधों का नाम तो मुझे भी नहीं पता, बस ये ऐसे फ्लावर्स दिखते हैं ऐसे छोटे छोटे, पर्पल ऑरेंज पिंक, ये एक पौधा है, उसके बाद ये यहाँ पे ये पिंक पौधा आता है, और इसमें ये गुलाब है, और ये शायद मोगरा है, इसमें अभी फ्लावर नहीं आए हैं। इसके बाद ये लगाया है गुलाब, ये मम्मी ने ख़रीद के ही लाए हैं, ये जसवंत है, जसवंत को अभी थोड़ी सी कलियाँ आई है ऐसे, और यहाँ पे ये इस तरीके के छोटे छोटे पौधे जो पता नहीं लगने के बाद जल्दी से सूख जाते हैं, इसलिए इस तरीके से लगाए हैं। तुलसी तो मम्मी ने बहुत सारी लगाई है, ये है वाइट गुलाब, ये है पिंक वाला, अच्छे लगते हैं ना ऐसे गुलाब, ये बडिंग वाला है तो ये अभी फूल रहा है मस्त, और उसके बाद फिर से यहाँ पे है वाइट गुलाब, और ये कौन सा है, इसको नहीं आए हैं अभी गुलाब के फूल, फिर से यहाँ पे तुलसी है, और ये मेरे पास भी था, ये मेरे पास का सूख गया, मुझे ये अच्छा लगता था बचपन में भी, मैं इसे तोड़ के ऐसे फेस पे थोड़ा सा रब करती थी सॉरी। ये भी अच्छा है, ये इसके ना फ्लावर्स बहुत ही कड़क है, मतलब आसानी से टूटेंगे नहीं, सॉरी। यगीन जाशवंद है, और ये ऐसे ही शो पीस जो रहता है, इसका नाम क्या रहता है मुझे नहीं पता सारे पौधों का नाम, तो यहाँ पे भी छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, और ये लगाया है बड़ा सा जसवंत, ये देखिए ये जो बकेट है जो वेस्ट हो जाती है, तो वेस्ट होने से अच्छा है यहाँ पे ये सारे जो काम पौधे हैं इसमें लग जाते हैं, ये देखिए इस तरीके से जो पेंट वाले डब्बे हैं उसमें भी मम्मी ने लगा दिया है, और ये बड़े बड़े पौधे हो गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से बस छोटे 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 पौधे, ये कौन सा है नाम मुझे नहीं पता, मम्मी को पता होगा लेकिन अभी मम्मी मेरे साथ नहीं है। वाइट शेवंती है, यहाँ पे भी वाइट शेवंती है, फिर से तुलसी है, और ये सच में अच्छे लगते हैं, और बहुत सारे फ्लावर्स इसमें इकट्ठा आ जाते हैं, और ये फ्लावर बहुत दिन रहते हैं क्योंकि मेरे पास है इसका, और यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से रहता है ना टेरेस, तो हर जगह ही ऐसे आपको प्लांट्स छोटे छोटे गमले देखने को मिलेंगे, और ये भी अच्छा है, ये शेवंती होती है क्या नहीं पता, ये देखिए बड़े से इसमें लगा दिए, और ये खाने वाला पान है, मैंने खाने वाला पान 3 बार ट्राई किया घर पे लगा के, तीनों बार मेरा ये जो पान होता है खाने वाला सूख गया, पता नहीं क्या हो जाता है, यहीं से लेके गई थी, यहाँ पे अच्छे से हो रहा है वो, और मेरे घर नहीं होता है। और ये डोंट टच मी वाला ये तो है मेरे पास, फिर यहाँ पे ये ग्रीन टी, अगेन तुलसी,
और यहाँ पे मम्मी ने घर पे ही दुर्वा लगा दी है, मतलब बाहर जाने का काम नहीं। पापा को हर रोज़ दुर्वा मिलती है, और क्योंकि आजकल बाहर दुर्वा नहीं मिलते, मुझे तो याद भी नहीं कि हर संकष्टि पे मैं भगवान को दुर्वा चढ़ाती हूँ, क्योंकि मिलती ही नहीं है, गार्डन में भी नहीं रहता है, ग्रास रहती है लेकिन दुर्वा नहीं रहती है। तो बस, और यहाँ पे ये सोलर लगाया है ताकि गर्म पानी आए। तो ये है हमारा टेरेस, अभी कपड़े सुखाया है इसलिए ऐसे दिख रहा है। और ये यहाँ पे दो टंकियाँ लगाई है, एक आई थिंक गर्म पानी की है, नहीं एक नीचे की है, ये वाली नीचे की है, और ये वाली ये इसके नीचे मतलब फर्स्ट फ्लोर की है। तो ये है मम्मी ने जो गार्डन बनाया है ये, और मेरा टेरेस। तो ये था मम्मी का छोटा सा टेरेस वाला गार्डन। अभी ये जब पौधे ऐसे स्टेयर्स पे लगाए थे तो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, सब स्टेयर्स से आते आते एक एक पौधा दिख रहा था तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी ऊपर जाना आना ज़्यादा हो रहा है इसलिए वो हटा दिए और सब टेरेस पे रख दिए। तो मुझे तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, और नीचे अगर प्लांट्स रहे तो इससे भी ज़्यादा रहते हैं। तो अभी मैं नीचे जाऊँगी क्योंकि लेट हो गया, मैं बहुत देर से आई थी कपड़े सुखाने के लिए और यहीं पर बैठ गई। तो अभी थोड़े से काम भी है नीचे और थोड़ा सा बाहर भी जाना है आज, और आई होप तबीयत अच्छी से जल्दी से ठीक हो जाए और मैं भी इंजॉय कर पाऊँ, क्योंकि अभी बस एक दो दिन में ही एंगेजमेंट, शादी, हल्दी सब प्रोग्राम आने वाले हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रही है, अच्छे अच्छे वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। आज का वीडियो भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी मैं जाती हूँ नीचे और आपको कहती हूँ बाय बाय।